Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all a fine. चलिए भाई तो बात कर लेते हैं. आज हम लेकर आ गए हैं वकैब की सीरीज का डेली की वकैब की सीरीज का आपकी वकैब की चुस्की की है 25th क्लास. ठीक है, जो कि हम लोग रोज सुबह 6 बजे ठीक है इंजॉय करते हैं. ठीक है, किस चीज़ की वकैब की चुस्की. ठीक है, हाँ चाय के साथ वकैब की चुस्की इंजॉय करते हैं. ठीक है, चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. ये रहा आज आपका पहला क्वेश्चन, क्या है? फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. दिए गए वर्ड का आपको क्या बताना है? साइनोनिम वर्ड बताना है. ठीक है, तो वो वर्ड क्या है? मिएगर. क्या वर्ड है? मिएगर. तो जल्दी से रिप्लाई करिए, मिएगर वर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? प्लेंटी, इनएडिक्वेट, सफिशियंट या लिमिटेड. जल्दी से आंसर करें सभी लोग, जल्दी से रिप्लाई करिए. मी एगर का यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को. चलिए भाई जल्दी से सभी लोग जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग रिप्लाई करिए. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मी एगर का? ठीक है, प्लेंटी, इनएडिक्वेट, सफिशियंट या यहाँ पे लिमिटेड. क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? जल्दी से चलिए समझ लेते हैं. जैसे आप ये इमेज देख रहे होंगे, इस इमेज में ये जो है मौत है बहुत ही रोटीन पर्सन. रोटीन मतलब बहुत ही खाने वाले पेटू पर्सन. ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ. तो अब ये पर्सन जो है, अब इनको इतना जरा सा खाना दिया जा रहा है, जरा सा मतलब थोड़ा. अब उनकी सेहत के अकॉर्डिंग, अब उनके डाइट के अकॉर्डिंग ये जो है कैसा है खाना? बहुत कम है. ठीक है, बहुत कम है मतलब होता है, हाँ बिल्कुल, बहुत थोड़ा या अल्प है. ठीक है, इसी के लिए मीनिंग होती है मिएगर. मिएगर की स्पेलिंग ये भी होती है. ठीक है, MEAGER, GER भी होती है और GRE भी होती है. ठीक है, दोनों वर्ड होते हैं, तो कहीं भी आपको GRE GER लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, दोनों की स्पेलिंग ये हो जाती है. ठीक है, मीगर मीनिंग सेम रहती है, मतलब अल्प या थोड़ा. ठीक है, मुझे पता भी. चलिए भाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन समझ लेते हैं. लिमिटेड है, लिमिटेड है मतलब सीमित है. सफिशियंट है मतलब जितना जरूरत है उतना काफी है. ठीक है, हाँ सफिशियंट है. और ये क्या है? इनएडिक्वेट क्या है? ठीक है, प्लेंटी है, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा है. ठीक है, जरूरत से ज्यादा है. सफिशियंट मतलब जितना जरूरत है उतना है. लिमिटेड है मतलब बहुत ही सीमित है. ठीक है, हाँ. इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब होता है क्या? बहुत थोड़ा या अल्प. तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, हाँ. अब इसकी सेहत के अनुसार, इसकी इसकी जो डाइट है, इसकी डाइट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये जो आपको इसको जो डिनर या आपको ब्रेकफास्ट इसको दिया जा रहा है, ठीक है, ये ब्रेकफास्ट कैसा है? इनएडिक्वेट है. इनएडिक्वेट मतलब इनएप्रोप्रिएट है. कैसा है? इनएप्रोप्रिएट है मतलब अनुचित है. ठीक है, मतलब बहुत थोड़ा है, कम है. तो मुझे पता कि नहीं आगे. चलिए फिर इस वर्ड को और बेहतर से समझ लेते हैं. देखिए भाई मिएगर वर्ड समझ लेते हैं. मिएगर जो वर्ड होता है ना, ये एक्चुअली में इसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है एडजेक्टिव. क्या होता है? इसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है एडजेक्टिव. ठीक है, हाँ ये एडजेक्टिव होता है. अब अगर इससे हमें बनाना पड़े क्या नाउन, अगर हमें इसे नाउन बनाना पड़े तो क्या हो जाएगा? हाँ देखिएगा, इस नाउन बनाना पड़े तो हम इसमें क्या लगा दें? NESS लगा दें, मिएगरनेस हो जाएगा. ठीक है, और अगर इसे हमें एडवर्ब बनाना हो तो क्या कर दें? इसमें LY लगा दें. ठीक है, तो मिएगरली हो जाएगा. ठीक है, सबसे बात आ गई कि नहीं आ गई? नेस लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा, नेस सफिक्स करेंगे नाउन बनेगा, LY सफिक्स कर देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, एज यू ऑल नो वेल. ठीक है, चलिए फिर समझ लेते हैं इनके साइनोनिम वर्ड देख के. साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? लैक, स्क्रिम्पी, स्टिंजी, इनसफिशियंट, डेफिशियंट, निगार्डली या पैथेटिक. निगार्डली कौन होते हैं? कंजूस व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत थोड़ा पैसा होता है. ठीक है, हाँ उनको लिए हम यूज कर लेते हैं, बहुत जो थोड़ा यूज करते हैं. ठीक है, हाँ चलिए तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम देख लीजिए, एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंट, एम्पल, बाउंटीफुल, कॉपियस, जेनरस, लिबरल या प्लेंटी, बहुत आए. समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलिए तो अब हम इन ऑप्शंस को आगे के देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनएडिक्वेट हो जाएगा. कल ये वर्ड आप लोगों ने किया हुआ था, यहाँ पे हमने वर्ड्स ले लिए जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे. ब्लिस वर्ड लिया था, ब्लिस का मतलब क्या होता है? परम आनंद, बहुत ज्यादा खुशी होता है. ठीक है, हाँ तो प्लेजर इसका क्या हो जाएगा? साइनोनिम हो जाएगा. और डिप्रेशन इसका क्या हो जाएगा? हाँ डिप्रेशन हो जाएगा, ग्रीफ. ठीक है, डिप्रेशन, ग्रीफ या माइजरी, कष्ट, दुख. ठीक है,
तो ये क्या इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, तो इनको हमने यहाँ पे रिवीजन के तौर पर रख लिया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। ठीक है, नए वर्ड सीखने को आप लोगों को मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से सब जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको क्या बताना है, साइनोनिम वर्ड बताना है। ठीक है, क्या वर्ड है, कंपैशनेट। क्या है, कंपैशनेट है। चलिए तो जल्दी से बता दलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पैथेटिक, एस्थेटिक, सिंपैथेटिक या वार्म हो जाएगा। जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से, बिल्कुल सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करिए, कंपैशनेट क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए भाई, सभी लोग बिल्कुल जल्दी से बता डालिए कंपैशनेट क्या होता है। चलिए अगर ध्यान दीजिए तो एक वर्ड होता है पैशनेट। पैशनेट मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए कैसा है, बिल्कुल पैशनेट है। पैशनेट मतलब उत्सुक है करने के लिए। ठीक है, हाँ ललायत है कह सकते हैं। कंपैशनेट मतलब हो जाता है, जैसे अभी इमेज देखिए, अब ये बहुत ही ओल्ड पीपल हैं, बहुत ही वृद्ध व्यक्ति हैं जो आज चल नहीं पा रहे थे, तो ये जो वुमेन थी कुएं से निकल रही थी, तो इन्होंने इनकी क्या कर दी, हेल्प कर दी थी। ये पर्सन कैसी हो गई, ये पर्सन हो गई कंपैशनेट। कंपैशनेट मतलब दयालु। ठीक है, या सहानुभूति दिखाना। ठीक है, सहानुभूति दिखाना किसी के लिए। ठीक है, हाँ, या दयालु होना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, समझ लेते हैं। वॉर्म क्या होता है, वॉर्म होता है, दो मीनिंग होते हैं इसके, या एक तो होता है वॉर्म मतलब गर्म, गुनगुना टाइप का गर्म है। ठीक है, या दूसरा मीनिंग आता है जैसे आप बोलते हो वॉर्म वेलकम, वॉर्म मतलब हार्दिक, आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उस सेंस में आपका ये भी हो जाएगा हार्दिक। क्लियर हुआ। चलिए, पैथेटिक कैसे होते हैं, जल्दी से बताइए, पैथेटिक व्यक्ति कैसे होते हैं, रिप्लाई करिए भाई। तो पैथेटिक इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे एस्थेटिक दिया गया, एस्थेटिक कौन होते हैं, एस्थेटिक होती है सुंदरता से संबंधित। ठीक है, हाँ किससे रिलेटेड, हाँ बिल्कुल ब्यूटी से रिलेटेड, सुंदरता से रिलेटेड। तो सिंपैथेटिक क्या होता है, सहानुभूति होता है, क्या होता है, सहानुभूति। तो ये भी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं, इस वर्ड को बेहतर से समझ लेते हैं। देखिएगा, कंपैशनेट, कंपैशनेट जो वर्ड होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, इसके दो मीनिंग आते हैं। क्या होते हैं, दो मीनिंग आते हैं, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन दो तरह का होता है, या एक तो ये वर्ब की तरह भी काम करता है और एक ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ठीक है, वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा सहानुभूति दिखाना, और एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसका मतलब वो पर्सन कैसा है, दयालु है बहुत ही। ठीक है, विनम्र है। क्लियर हुआ, हाँ। तो ये दो इसके क्या हो गए, हाँ बिल्कुल, इसके ग्रामेटिकल फंक्शन हो गए। अब अगर इससे हमें बनाना पड़े एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडवर्ब बनाएंगे, तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग एडवर्ब बनाने के लिए हम लोग एलवाई लगा दें। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, कंपैशनेटली हो जाएगा एडवर्ब। अब इसका नाउन बनाना हो तो क्या हो जाएगा, तो इसका नाउन जो है, नाउन फॉर्म जो इसका फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है कंपैशन। क्या होता है, कंपैशन, COMPASSION, कंपैशन नाउन इसका हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ, कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसी तरीके से। ठीक है, चलिए अब साइनोनिम वर्ड देख लेते हैं। सिंपैथेटिक, ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, काइंडली, ह्यूमन, फील फॉर, पिटी, फील फॉर कल ही हम लोगों ने फोल्डर में पढ़ा था, फील फॉर मतलब सहानुभूति दिखाना होता है, पिटी होता है। ठीक है, कंडोल विद आता है, सिंपैथाइज विद यूज होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए, एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रूअल हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, हार्टलेस हो जाएगा, मीन हो जाएगा, कैलस होगा, इनह्यूमन होगा। ठीक है, सौ से बात आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल इस वर्ड को, इन वर्ड को बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिएगा और लर्निंग प्रॉपरली कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, कंपैशनेट मतलब पर्सन कैसा होता है, दयालु होता है, सहानुभूति दिखाता है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रूअल है, वो बहुत ही निर्दयी है, हार्श है, हार्टलेस, उसके अंदर दिल ही नहीं है। ठीक है, और दयालु व्यक्ति जो होते हैं वो हर्टफुल होते हैं। ठीक है, हर्टी पर्सन होते हैं, उनके वो दूसरों के लिए कैसे होते हैं, काइंड होते हैं, कैसे होते हैं, काइंडली होते हैं, ह्यूमन होते हैं, मानव होते हैं, मतलब मानव का जो जैसा ह्यूमन नेचर होता है ना, दयालुपन दिखाना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये वर्ड आप लोगों ने कल समझा था, कंप्रीहेंसिव, ये वर्ड आप लोगों ने कल समझा था, तो क्या था कंप्रीहेंसिव, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंप्रीहेंसिव मतलब आपको बताया गया था विस्तृत, जो चीज बहुत बड़ा है, ठीक है, विशाल है, जिसमें सारी चीजें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, हाँ, जैसे हमने आपको बताया था
कि हम लोग वकैब में क्या करते हैं, एक वर्ड लेते हैं, अब उस एक वर्ड से उसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है, उसके साइनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, आपके ऑप्शन बाकायदे सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो वो सब क्या है, कंप्रिहेंसिव है, समझ में आता है कि नहीं है। तो इसका इंक्लूसिव क्या था, साइनोनिम था, ठीक है। हाँ, और रेस्ट्रिक्टेड क्या था, रेस्ट्रिक्टेड इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड, जो चीज़ें कैसी हैं, लिमिटेड हैं, यहाँ पर लिमिटेड नहीं थी, यहाँ पे विस्तृत थी, विस्तृत थी मतलब फैली हुई थी, उसके ब्रॉड यूजेस थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ये, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से लाइक करें और दोस्तों साथ शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए भाई, ये कि कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये समझना है भाई, ठीक है। चलिए बताइए फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, क्रूड होगा, जेंटील होगा, स्वेब होगा या फेनाइंड होगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। कल्टीवेटेड का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से भाई रिप्लाई करिए, क्रूड होगा, जेंटील होगा, स्वेब होगा या क्या हो जाएगा, फेविंड होगा, जल्दी से रिप्लाई करिए सभी लोग, जल्दी से रिप्लाई करिए भाई, बिल्कुल जल्दी से रिप्लाई कर डालिए सभी लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए समझ लेते हैं, कल्टीवेटेड के दो तरह के मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है जोतना, ठीक है, कल्टीवेट करना, किसानी वगैरह खेती में जो करते हैं कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब इस दूसरा मीनिंग क्या होता है, ये पर्सन के लिए भी यूज होता है, कल्टीवेटेड पर्सन है। कल्टीवेटेड पर्सन मतलब कैसे पर्सन है, वो बहुत ही शिक्षित पर्सन है, कैसे, हाँ, पढ़े लिखे व्यक्ति है, कल्चर्ड पर्सन है, ठीक है। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एंटोनिम बताना है आपको, साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, जैसे वो कल्चर्ड है, ठीक है, कैसे है, सिविलाइज्ड है, कल्चर्ड है, लेकिन आपको एंटोनिम बताना है। तो फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम मतलब वो पर्सन कैसे है, बहुत ही, हाँ, क्रूड है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रूड आ जाएगा। चलिए देख लीजिएगा, इन ऑप्शंस को हम लोग समझ लेते हैं। तो जेंटील या स्वेब इसके क्या हो जाएंगे, ठीक है, हाँ, यहाँ पे होगा फेनाइन नहीं, रिफाइंड होगा, ठीक है, REFINED, ठीक है, हाँ, रिफाइंड, रिफाइंड भी इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है, जेंटील भी इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है, और स्वेब, स्वेब जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई पर्सन जो चार्मिंग हो, कैसा हो, चार्मिंग हो, चार्मिंग मतलब देखने में बहुत ही, हाँ, पोलाइट हो, एलिगेंट हो, ठीक है, हाँ, जरूरी नहीं है, देखिए वो देखने में चार्मिंग हो, पोलाइट हो, लेकिन हो सकता है कि वो इनसेंट पर्सन हो, इनसेंट मतलब कपटी या झूठा टाइप का व्यक्ति हो, देखने में वो चार्मिंग लगे, पोलाइट लगे, एलिगेंट लगे, लेकिन वो कैसा हो, कपटी हो, इनसेंट हो, ठीक है, हाँ, उसको बोलते हैं स्वैब, ठीक है। चलिए भाई समझ लेते हैं, तो यहाँ पे अब इस वर्ड को हम बेहतर से समझते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रूड हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे आप साइनोनिम वर्ड देख लेते हैं क्या हो जाएगा, पहले तो समझते हैं कल्टीवेटेड ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है। कल्टीवेटेड एक्चुअली में कल्टीवेट होती है आपकी वर्ब, और ईडी लगा के आपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसकी बना दी, क्या, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और वो किस तरह से काम कर रही है, एडजेक्टिव की तरह से। तो इसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ, और इसका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव फॉर्म एक और होती है, क्या होती है, कल्टीवेबल, क्या होती है, कल्टीवेबल, कल्टीवेबल, ठीक है। हाँ, ये भी इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए अब अगर इसका नाउन नाउन देखें हम लोग, कि इसका नाउन पार्ट ऑफ स्पीच होगा, अगर नाउन बनाना होगा तो उसका जो है वर्ड क्या होगा, तो नाउन फंक्शन देने वाला वर्ड जो होता है वो होता है कल्टीवेशन, क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, ठीक है। हाँ, या कल्टीवेट वर्ब थी तो कल्टीवेट वर्ब है तो फिर कल्टीवेटर हो जाएगा, कल्टीवेटर, ठीक है। हमने बताया था वर्ब के साथ ईआर या ओआर लगाते तो कॉमन नाउन बन जाता है, जो कल्टीवेट करता है, ठीक है, कल्टीवेटर, क्लियर हुआ। हाँ, कल्टीवेशन भी हो जाएगा, कल्टीवेटर भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वर्ब कल्टीवेट क्या हो जाएगी, कल्टीवेट हो जाएगी वर्ब, ठीक है। हाँ, दो मीनिंग होते हैं, अगर वर्ब है तो इसका मतलब जोतना हो जाएगा, एडजेक्टिव है तो इसका मतलब शिष्ट व्यक्ति, बहुत ही सज्जन, शिक्षित, ठीक है, समझ में आता है। चलिए भाई, तो अब इसके साइनोनिम वर्ड देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा, सिविलाइज्ड हो जाएगा, कल्चर्ड हो जाएगा, जेंटील हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, फॉर्मल व्यक्ति हो जाएगा, सोफेस्टिकेटेड हो जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अब वहां पढ़े लिखे, यहाँ पे कैसे, असभ्य है, बारबेरिक है, ठीक है, बारबरस है, फिलिस्टीन है, फूहड़ा है, बिल्कुल फूहड़ वर्ड यूज किया जाता है हिंदी में, अनसिविलाइज्ड है, अनकल्चर्ड है या अनजेंटील है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रूड हो जाएगा, ठीक है, क्रूड इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये वर्ड आपका कल का वर्ड है, ठीक है, कल हम लोगों ने इस वर्ड को डिस्कस किया था, समझा था, ठीक है। हाँ, इसके ग्रामेटिकल फंक्शन भी देखे थे, इससे अदर
पार्ट ऑफ स्पीच भी समझे थे क्या बनेंगे, और इसके साइनोनिम एंटोनिम भी देखे थे, ठीक है। हाँ, तो एग्जॉस्टिव क्या होता है, एग्जॉस्टिव जो पर्सन होता है, हमने बताया एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब थका हुआ, उसी से ये वर्ड बना एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव जो कि मतलब होता है क्या, हाँ संपूर्ण, इसका भी मीनिंग क्या होता है, संपूर्ण मतलब होल या ऑल, ठीक है। हाँ, या इसका एक साइनोनिम वर्ड था क्या, इंटेंसिव, इंटेंसिव, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा संपूर्ण, और इनकम्प्लीट क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इम्पर्टिनेंट वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, इंसोलेंट, इम्पुडेंट, चीकी या कॉर्टियस, जल्दी से रिप्लाई करें क्या हो जाएगा इम्पर्टिनेंट वर्ड का आपका एंटोनिम, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए भाई समझ लेते हैं, इस इमेज में आप देख रहे हैं, अब ये जो पर्सन है ये इनके ऑफिस में आए हुए हैं, और ये जो है इस तरीके से पैर टेबल पर रखकर बैठी हुई है, ठीक है, ये जो बॉस है, और ये बॉस जो है वो यहाँ पे कैसे पैर ऊपर रख के बैठी हुई है, तो ये पर्सन कैसी है बताइए, अभी इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके सामने ये इस तरह का बिहेव कर रही है, ठीक है, मतलब उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, ठीक है। हाँ, इररिस्पेक्ट कैसे है, ये रूड पर्सन है, कैसे है, रूड है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बीच में इनमें हाँ क्या नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रिस्पेक्ट नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये पर्सन जो है वो कैसे हैं बताइए भाई, बिल्कुल भी कैसा है, इंसोल्वेंट है, इम्पुडेंट है, चीकी है या कॉर्टियस है, क्या हो जाएगा आंसर, चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इंसोलेंट क्या होता है, इंसोलेंट क्या होता है, जल्दी से बताइए, इंसोलेंट व्यक्ति होते अक्खड़ या अवज्ञाकारी, मतलब अनरिस्पेक्टफुल पर्सन होते हैं, ठीक है। हाँ, और इम्पुडेंट क्या होता है, इम्पुडेंट क्या होता है, चलिए इम्पुडेंट समझ लीजिए, इम्पुडेंट इसका हो जाएगा साइनोनिम, ठीक है। हाँ, इम्पर्टिनेंट मतलब भी क्या होता है, गुस्ताख, कोई गुस्ताख व्यक्ति, मतलब अक्खड़ अवज्ञाकारी, मतलब अनरिस्पेक्टफुल पर्सन होता है, ठीक है। चीकी क्या होता है, चीकी भी असिस्ट होता है, तो इसका चीकी, इम्पुडेंट या इंसोलेंट, ये सभी इसके साइनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉर्टियस, कॉर्टियस मतलब हो जाएगा क्या, कॉर्टियस पर्सन मतलब होते हैं शालीन या शिष्ट व्यक्ति होते हैं, ठीक है, विनम्र व्यक्ति होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर इस वर्ड को हम लोग बेहतर से समझ लेते हैं, ये देखिए इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट एक्चुअली में इसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है कि एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब अगर इसे हमें एडवर्ब बनाना होगा तो क्या कर देंगे, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, जल्दी से बताइए, अगर इसका एडवर्ब बनाना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल एलवाई लगा देंगे, एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। हाँ, अब अगर इसका नाउन पूछ दिया जाए, ठीक है, कि इसका नाउन फॉर्म क्या होगी, तो वो समझ लीजिएगा, इसका नाउन फॉर्म हो जाएगी इम्पर्टिनेंस, क्या हो जाएगा, इम्पर्टी और नेंस, एन ई एन सी ई, इम्पर्टिनेंस हो जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब इसके साइनोनिम वर्ड देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, रूड, बोल्ड, इररिलेवेंट, इनएप्रोप्रिएट, इनकॉन्ग्रुअस या इनएप्लीकेबल या इम्पुडेंट, ठीक है। हाँ, कैसा है वो, बहुत ही गुस्ताख व्यक्ति है, अक्खड़ है या अवज्ञाकारी है, असिस्ट है, ठीक है, निर्लज्ज कह सकते हैं, ठीक है। चीकी, चीकी अभी वर्ड देखा था, वो इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। एंटोनिम में क्या आ जाएगा, पोलाइट है, विनम्र है, रिस्पेक्टफुल है, मैनरली है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है या वाइटल है या पर्टिनेंट है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कॉर्टियस क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, विनम्र हो जाएगा, ठीक है, शिष्ट हो जाएगा, या क्या हो जाएगा इसका, और मीनिंग क्या हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए फिर तो समझ लेते हैं यहाँ पे आगे के, हाँ इसके जो वर्ड है उनको समझ लेते हैं। ये इनसाइट, कल ही आप लोगों ने ये वर्ड किया था, इनसाइट का मीनिंग क्या था, इनसाइट था, प्रोवोक था, अर्ज था, ठीक है, हाँ मोटिवेट था, ठीक है। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी को उकसाना या मोटिवेट करना था, ठीक है। हाँ, तो इसका सप्रेस क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, दबाना किसी को, ठीक है, फोर्सफुली किसी को दबाना। इंस्टिगेट क्या हो जाएगा, इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, क्लियर हुआ, इनसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, ठीक है, मोटिवेट, किसी के करेज को बढ़ाना, उत्साह को बढ़ाना, ठीक है। हाँ, चलिए सप्रेस क्या होगा, नीचे गिराना किसी को, ठीक है, दबाना, सप्रेस, ऑप्रेस, रिप्रेस जैसे वर्ड हम लोगों ने कल समझे थे, ठीक है। जिसने भी वीडियो कल वाला ना देखा हो, क्लास ना देखी हो, तो उसको देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। तो चलते हैं फिर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, यहाँ पे आपको वन वर्ड बताना है, किसका, आपको यहाँ पे वन वर्ड बताना है, द कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस वंस इन थ्री ईयर्स, ठीक है,
3 सालों में होने वाली कॉन्फ्रेंस को क्या कहा जाता है? ठीक है, 3 सालों में होने वाली मीटिंग या कॉन्फ्रेंस को क्या कहा जाता है? जल्दी से बता रहा, जल्दी से भाई आंसर करिए, क्या होगा? टेट्रेनियल, ट्राइनियल, ट्रीनियल या ट्रीनियल, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ये वर्ड आपके स्पेलिंग एरर की तरह भी यूज हो सकते हैं और यहाँ पर आपके, ठीक है, क्योंकि तीनों ही वर्ड चारों ऑप्शन हैं वो लगभग सेम नजर आ रहे होंगे। मतलब 3 सालों में होने वाले क्या कहते हैं, 3 सालों में होने वाले ट्राइनियल बोला जाता है। ट्राइनियल मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, त्रिवर्षीय। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल के Tier 1 में, ठीक है, हाँ, सीजीएल के प्री में क्वेश्चन पूछा गया 2012 में, ठीक है, हाँ, तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, यहाँ भी आपको वन वर्ड बताना है, क्या है? मैन लिविंग इन द सेम एज, ठीक है, सेम एज में मतलब एक ही समय में, मतलब एक साथ, एक ही टाइम पर रहने वाले एक साथ जो व्यक्ति हैं उनको क्या कहा जाएगा? जल्दी से बता डालिए भाई, जैसे कि सेम एज में होना, जैसे हम और आप लोग, ठीक है, हाँ, तो हम लोग कैसे सेम एज में हैं, ठीक है, तो हम दोनों लोग एक दूसरे के कैसे हैं, समकालीन हैं, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप आंसर बताइए क्या होगा, रिसेंट होगा, मॉडर्न होगा, कंटेम्परेरी होगा या कंपैट्रियट होगा। हम लोगों ने इस वर्ड को बेहतर से समझा था, इस वन वर्ड को बेहतर से हम लोगों ने सीखा था, ठीक है, जैसे हमने बताया था कालिदास किसके समकालीन है, ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ दिया जाता है कि कालिदास किसके समकालीन थे, ठीक है, हाँ, तो कालिदास किसके समकालीन थे, ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कालिदास एक ही समय, एक ही एज या एक ही एरा के थे, ठीक है, एक ही युग के व्यक्ति थे, ठीक है, दोनों लोग, तो फिर ये कैसे होंगे, कंटेम्परेरी हो गया, क्या हो गया, कंटेम्परेरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC MTS 2013 में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए भाई। और शाम को भी हम लोग जो क्लास रहती है आपकी 8 बजे, उसमें भी हम लोग प्रीवियस ईयर के अभी क्वेश्चन को ही क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बिल्कुल आंसर बताइए, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस या ग्रीवेंस, जल्दी बताइए, ग्रीवेंस, 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 यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपकी ग्रीवेंस की स्पेलिंग जो है वो सही है ऑप्शन नंबर सी की, GREIVANCE, क्या हो जाएगी, GREIVANCE और VANCE, ग्रीवेंस, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो बढ़ जाए फिर हम आगे, ग्रीफ होता है, ग्रीफ होता है क्या, दुख होता है, ग्रीवेंस उसी से बना हुआ वर्ड है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। अब ये तो वर्ड बहुत ही ईजी है, ये तो हम लोग रोज पढ़ते हैं, रोज देखते हैं, ठीक है, डिक्शनरी, डिक्शनरी वर्ड का, डिक्शनरी अक्सर यूज करते हैं आप लोग, तो आप बताइए भाई यहाँ पे करेक्टली स्पेलिंग क्या हो जाएगी, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए, जल्दी से बताइए, बिल्कुल बहुत ही इजी है, जल्दी से बता देंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल शब्दकोश होता है, मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, डिक्शनरी, स्पेलिंग क्या होगी, DIC, क्या होगी, DIC, डिक्स, TION, डिक्शनरी, ठीक है, NARY, डिक्शनरी होती, क्लियर हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यू बेटर लर्न टू टो द लाइन टू अवॉइड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती, परिस्थितियां, ठीक है, परिस्थितियों को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा क्या, टू टो द लाइन, अभी हमने फोल्डर में भी किया, आपको क्लासेस में कराया भी गया, टो द लाइन मतलब क्या होता है, किसी का अनुसरण करना, ठीक है, नक्शे कदम पे चलना होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू बी इंडिफरेंट टू द रूल, टू डिसओबे रूल, टू फॉलो द रूल या टू मेक योर ओन रूल्स, आप अपने खुद रूल बनाएंगे या दूसरों के रूल्स को फॉलो करेंगे, जल्दी से बताइए, या आप किसी के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जल्दी से बताइए भाई, आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू फॉलो द लीड, आपको कोई लीड दे रहा है, आपको कमांड दे रहा है, आप उसको फॉलो करिए, अगर उसको आप फॉलो करना सीख जाते हैं तो आपको कोई भी परिस्थितियों से, गलत निगेटिव सिचुएशन से,
क्वेश्चन से आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, ये भी वन वर्ड ईडियम का है। ईडियम के आपको क्या बताना है, यहाँ पे मीनिंग बताना है। ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट्स बट ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क, वाइड ऑफ द मार्क। ठीक है, अब इन्होंने काफी स्टेटमेंट दिए हैं लेकिन उनमें से सभी जो है वाइड ऑफ द मार्क है। क्या है, इररिलेवेंट है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है या अनरीजनेबल है। ठीक है, बट ऑल वर जितने भी थे वो सभी कैसे थे, वाइड ऑफ द मार्क थे। वाइड ऑफ द मार्क मतलब क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट या अनरीजनेबल, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, समझ लेते हैं क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वाइड ऑफ द मार्क मतलब क्या है, इररिलेवेंट, जरूरत के बाहर के हैं। ठीक है, कोई भी रिलेवेंट नहीं है, आपके काम के नहीं है, समझ में बात आ गई। चलिए भाई, तो ये आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं एनआरजी ऑनलाइन क्लासेस से। ठीक है, या कोई ना भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं nrjenglishclasses@gmail.com पे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनआरजी इंग्लिश को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया जल्दी से कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आपको शाम की क्लास, ठीक है, मिक्स्ड सेशन के साथ at 8 PM। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।